हेलो गाइस, मिस्ट्रीज अनएक्सप्लोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करते हैं टेलीस्कोप की इन्वेंशन के बारे में। तो सबसे पहले टेलीस्कोप का इन्वेंशन हंस लिपर्से ने किया था 1608 में। हंस लिपर्से एक स्पेक्टिकल मेकर थे। वो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो ग्लास को एक साथ रखते हैं, उसमें देखते हैं तो चीजें उन्हें नजदीक दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने उस डिवाइस को नाम दिया डस्ट परस्पेक्टिव ग्लास। उसके बाद जियोवानी डिमिशियानी एक मैथमेटिशियन आते हैं, उन्होंने उस डिवाइस का नाम दिया टेलीस्कोप। और तब से लेकर आज तक हम टेलीस्कोप का ही वर्ड यूज करते हैं। तो इस टेलीस्कोप का यूज आर्मी के लोग किया करते थे, या फिर नाव जो चलाते थे वो दूरी देखने के लिए या फिर टापू को देखने के लिए यूज किया करते थे। तो उसके बाद आते हैं 1610 में, हमारे गैलीलियो गैली सर, उन्होंने टेलीस्कोप को इन्हेंस किया और खुद का उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। और इतना पावरफुल टेलीस्कोप बनाया और काफी दूर तक देखने वाला भी टेलीस्कोप था। गैलीलियो गैली एक ऐसे शख्स थे जो कि सबसे पहले टेलीस्कोप का यूज स्पेस की ओर किया और उन्होंने मून के क्रिएटर्स वीनस प्लैनेट और जुपिटर्स के मून को देखा। और तब से लेकर आज तक हम टेलीस्कोप का यूज स्पेस की ओर गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, नेबुलास और ब्लैक होल्स को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। इसका पूरा श्रेय गैलीलियो गैली को ही जाता है। और जो गैलीलियो गैली सर ने जो टेलीस्कोप बनाया वो उसको हम गैलीलियो टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं और रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गैलीलियन टेलीस्कोप के डिजाइन के बारे में बात करें तो यह बहुत सिंपल सा है। इसको आप घर पे भी बना सकते हो। एक छोटा बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस का यूज करके हम एक सिंपल टेलीस्कोप बना सकते हैं। लेकिन गैलीलियन टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम थी। गैलीलियन टेलीस्कोप में प्रॉब्लम यह था कि उसमें प्रिज्म इफेक्ट देखने को मिलता था। प्रिज्म इफेक्ट क्या होता है, किसी प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो उसमें से 7 कलर्स हमें मिलती है। तो ठीक उसी तरह उस टेलीस्कोप में भी हमें मिल रहा था। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते थे तो उसका फिक्स कलर ना दिख के हमें 7 कलर्स दिखते थे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन न्यूटन ने दिया 1668 में और उन्होंने अपना खुद का डिजाइन बनाया और उस टेलीस्कोप को हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप या फिर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। और उस टेलीस्कोप में न्यूटन ने कॉनकेव मिरर का यूज किया है। अगर हम बात करें न्यूटोनियन टेलीस्कोप के डिजाइन के बारे में तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लाइट जो है कॉनकेव मिरर पर आती है और वहाँ से 45 डिग्री रिफ्लेक्ट होकर एक फ्लैट मिरर पर जाती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होकर आई पीस पे जाती है जहाँ से हम देखते हैं। तो इस डिजाइन में मिरर का यूज करने का फायदा ये था कि लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, वहाँ पर प्रिज्म इफेक्ट नहीं होता था, जिससे जो हम प्लैनेट जो स्टार्स हम देखते थे वो परफेक्ट कलर में हमें दिखाई देते थे। तो उस समय न्यूटोनियन टेलीस्कोप बहुत ज्यादा बनाया गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये भी थी कि जितनी दूर की चीज हमें देखनी थी उतनी बड़ी टेलीस्कोप हमें बनाना पड़ता था। तो इसका सोल्यूशन 1693 में लॉरेंट कैसीग्रेंट ने निकाला और इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया, कैसीग्रेंट रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो कैसीग्रेंट टेलीस्कोप की जो साइज थी वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप की आधी हो गई। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जान लें, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी टेलीस्कोप बाय करना है तो आप दो बातों का हमेशा ध्यान रखिए। पहला कि जो प्राइमरी मिरर है या प्राइमरी लेंस है उसका फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही दूर की चीजें देख सकता है, यानी कि उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा उसका। और दूसरी बात, मिरर की साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा क्लियर इमेज आएगा। तो अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट टेलीस्कोप के बारे में। तो पहला टाइप है गैलीलियन टेलीस्कोप या आर्किस टेलीस्कोप। इसको बनाया गया था 1890 में। ये लोकेट है चिकागो के पास विकिंसन सिटी में और इसका जो लेंस का जो डायमीटर है वो 40 इंच का, यानी कि लगभग 1 मीटर का है। और इसकी लेंथ है 60 फीट और इसका वेट है 20 टन्स। तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, यानी कि जो मिरर से बने हुए टेलीस्कोप हैं। तो पहला है हेल्स टेलीस्कोप, जिसका मिरर की जो डायमीटर है वो 200 इंच का है, यानी कि 5.1 मीटर। और इसका फोकल लेंथ है 55 फीट और मैग्निफिकेशन है 1650x। और दूसरा टेलीस्कोप है लार्ज जीनत टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर है 6 मीटर। और फिर दूसरा है BT8 टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर है 6 मीटर। और इसके बाद आता है मैगलन 1-2 टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर है 6.5 मीटर।
और फिर इसका MMT जिसका डायमीटर है 6.5 मीटर, जिमिनी नॉर्थ एंड साउथ 6 जिसका डायमीटर है 8.2 मीटर, फिर है साल्ट जिसका डायमीटर है 9.2 मीटर, अब है केक टेलीस्कोप जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर है 10 मीटर और उसका फोकल लेंथ है 57.5 फीट। उसके बाद है GTC टेलीस्कोप जिसका डायमीटर है 10.4 मीटर और फोकल लेंथ है 557 फीट और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल अपर्चर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। अब बारी आती है वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप की, वो है लार्ज बाइनोकुलर टेलीस्कोप जो कि इच मिरर की जो डायमीटर है 8.4 मीटर है और दोनों मिरर को अगर एक साथ रख दिया जाए वो हो जाता है 11.8 मीटर अपर्चर, यानी कि इतना पावरफुल टेलीस्कोप की जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसकी बराबर क्लियर इमेजेस ले सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसा ही मजेदार वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।